और बहनों का इस सुकटनगर बीजेपी ऑफिस में स्वागत है, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद है। ये मेरे साथ अरजीत जी अखनूर के एक्स एमएलए और साथ में अपने बलवीर जी, इनको तो सब आप जानते ही हो, मीडिया का काम भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, एससी बोर्ड के भी चेयरमैन रहे हुए हैं, वाइस चेयरमैन। आज एक मसला था, कोई 2019 में जब हमारी यूटी नहीं थी, स्टेट थी, तब एक गवर्नमेंट की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट आई 9 मार्च 2019 को। वो दो बटालियन बननी थी लेडीज़ की, दो बटालियन बेल्ट फोर्स में कांस्टेबल के लिए, तो वो एडवर्टाइजमेंट निकली थी, तो बच्चों ने उस समय अप्लाई किया था। लेकिन उसके बाद 5 अगस्त को जब ड्यूटी बन गई, उसके बाद उनको इन्विटेशन आए, कॉल किया गया उनको, बच्चों को, जिन बच्चों ने दौड़ वगैरह निकाली, ग्राउंड वर्क किया, पूरा कम्प्लीट किया, तो उस समय ड्यूटी बन गई थी। उस समय जब उनसे कागज लिए, किसी ने अपना वो अंडर प्रोसेस दे दिया, किसी ने डोमिसाइल दे दिया, उस समय तो इन्होंने मान लिया। लेकिन आज डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि जितने डॉक्यूमेंट लेके आओ उसमें आप अपना पीआरसी लेके आओ, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। लेकिन यूटी बनने के बाद परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट तो बने नहीं, पहले बच्चों के पास थे ही नहीं। कम से कम 400-500 बच्चा है, लेडीज जारी अपनी लड़कियाँ बच्चियाँ हैं जो जम्मू की, तो उनके पास कोई स्टेट सर्टिफिकेट नहीं है, तो अब उन्हें कहा जा रहा है स्टेट सर्टिफिकेट लेके आओ। तो मेरे गवर्नर साहब से आपके माध्यम से, अपनी जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है, अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, उनके एक ही दरख्वास्त है कि उन बच्चियों को एक ये से फ्री किया जाए, स्टेट स्प्रेड की जगह उनसे अपने डोमिसाइल लिए जाए, ये मेरी उनसे दरख्वास्त है। कल मैंने सीएस से भी, मैंने उनको भी व्हाट्सएप मैसेज किया, डीजी से भी व्हाट्सएप मैसेज किया, जो इस रिक्रूटमेंट बोर्ड के जो चेयरमैन है मिस्टर राणा जी, उनसे मेरी फ़ोन के ऊपर बात हुई, उन्हें कहा कि हम इसको टेकअप कर रहे हैं मैं मसले को, लेकिन 25 तारीख लास्ट डेट है, बच्चों ने अपने फार्म जो अपने कॉलेज वगैरह जो दाखिल करवाने हैं उसमें उनसे मांगा जा रहा है पीआर से। तो मेरे आपके माध्यम से गवर्नमेंट से यही एक अपील है कि 400-500 जो बच्ची है जम्मू से, कश्मीर के भी 400-500 होगी, इसमें 10 जिले जो आए हैं जिसमें 2 बटालियन बननी थी बॉर्डर की, 5 जिले जम्मू के हैं, 3 कश्मीर के और 2 जिसमें लेह और कारगिल हैं, तो वो उनमें से, तो मेरी आपसे यही एक दरख्वास्त आपके माध्यम से कि इन बच्चियों को उनसे फ्री किया जाए और उनकी कागज़ उनका डोमिसाइल लिया जाए और उनको सेफ सर से फ्री कर दें।